नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के प्रश्नों पर पूर्ण रूप से आधारित है। आप सभी के मिले जुले प्रकार के एक ही प्रश्न का ये संदर्भ है। प्रश्न में आप सभी एक ही बात की ओर बल देते हैं कि श्री महाराज जी को हम भला अर्जी कैसे लगा सकते हैं, अपनी बात महाराज जी तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज का यह अद्भुत क्रमांक है। तो आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। बात करें यूं महाराज जी की, तो महाराज जी के बारे में जितनी भी बातें कही जाए, महाराज जी का जितना भी धन्यवाद करना चाहें, उतना ही कम होता है। श्री महाराज जी की जो दयालुता है, श्री महाराज जी का जो प्रताप है और उनका जो आशीष है, वे कभी भी शब्दों में कहने योग्य नहीं बन पड़ता, क्योंकि आपके पास शब्दों की बहुत कमी हो जाती है महाराज जी के आशीर्वाद को, महाराज जी के आशीष को कहने में। और इसी संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महाराज जी के अनन्य भक्त चाहते हैं कि हम अपने हृदय की बात महाराज जी तक कैसे पहुंचाएं। कोई अनन्य भक्त श्री कैंची धाम से बहुत दूर है या महाराज जी के सभी धामों से बहुत दूर है, लेकिन हृदय में एक ही बात घर कर जाती है कि महाराज जी तक अपने हृदय की बात कैसे पहुंचाई जाए। क्या कोई ऐसा माध्यम हो सकता है कि हम अपने हृदय की बात महाराज जी तक पहुंचा पाएं। बहुत से अनन्य दर्शकों का ये प्रश्न है कि महाराज जी तक हम अपने हृदय की बात, उनको अपनी अर्जी, उनको अपने जो वक्तव्य हैं या अपने जो प्रश्न हैं, वे महाराज जी से हम कैसे पूछ सकते हैं। तो आज आपको मैं यही बात बताना चाहूंगा कि केवल और केवल श्री महाराज जी ही एक ऐसे अद्भुत संत हैं कि जिनको अपनी हृदय की बात समझाना बहुत बहुत आसान है। महाराज जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के हृदय की, उनकी स्थिति परिस्थितियों के बारे में स्वयं ही महाराज जी जानते हैं। आपकी जो भी परिस्थिति आज इस समय में है, महाराज जी उससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। महाराज जी हर हाल आपका समझते हैं कि कोई अनन्य भक्त मुझसे मिलना चाहता है लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है, महाराज जी यह भी जानते हैं। कोई अनन्य भक्त शारीरिक रूप से पीड़ित है लेकिन हृदय में लालसा है कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं, महाराज जी ऐसे भक्तों का भी हाल जानते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है या समय का अभाव है या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन महाराज जी से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो भी महाराज जी सब कुछ जानते हैं। तो बात आती है अर्जी की, तो आपको अर्जी लगाने के लिए कोई विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यही बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रबंध, कोई विशिष्ट कार्य, कोई विशिष्ट मंशा, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। मैंने आपको कई क्रमांकों में एक बात बताई है कि महाराज जी केवल भाव के भूखे हैं। अगर आपके हृदय में महाराज जी के प्रति श्रद्धा है, भाव है और श्री महाराज जी के प्रति प्रेम है, बस यही आपकी अर्जी हो जाती है। अगर आपके पास महाराज जी का छवि चित्र आपके घर पर है और आपने उसको कहीं पर विराजमान किया हुआ है, महाराज जी के स्वरूप को कहीं पर आपने रखा हुआ है, चाहे मंदिर का स्थान हो, पूजा स्थल हो या कोई अलग से आपने स्थान बनाया हो, जैसी भी आपकी इच्छा है या जिस भी स्वरूप में आपने महाराज जी को स्थान प्रदान किया है, तो आप उसी स्वरूप में महाराज जी के समक्ष आकर अपने मन की बात कह दीजिए, वही आपकी अर्जी लग जाएगी। यही महाराज जी की अर्जी है कि अपनी बात आप उनके छवि चित्र के समक्ष, उनके विग्रह के समक्ष या कैंची धाम में, किसी भी धाम में जाकर कह दें, आपकी हर प्रार्थना महाराज जी तक पहुंचती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको और बता दूं, ये स्वयं महाराज जी के वाक्य हैं कि कोई भी अनन्य भक्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपके प्रश्न का उत्तर आपको इसी वाक्य में मिल जाएगा। महाराज जी का यह अद्भुत वाक्य है कि कोई भी अनन्य भक्त मेरे किसी स्वरूप के समक्ष, चाहे वे छवि चित्र हो, चाहे स्वरूप हो या विग्रह हो, किसी भी स्वरूप में कोई भी अनन्य भक्त मेरे समक्ष आकर कोई भी बात कहता है,
कोई प्रार्थना करता है तो उस पर व्यक्तिगत रूप से मैं विचार करता हूँ और वे प्रार्थना मुझ तक पहुँच जाती है स्वतः ही। ये महाराज जी के वाक्य हैं। तो इस वाक्य से आप यह समझ सकते हैं कि कोई भी विशिष्ट प्रकार से अर्जी या कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी बड़े दयालु हैं, बड़े भोले हैं महाराज जी, कि आपको केवल और केवल प्रेम और श्रद्धा भाव से अपनी बात महाराज जी के समक्ष कह देनी है और समझ लीजिए आपकी अर्जी महाराज जी तक आसानी से पहुंच गई। बस इतना सा कार्य है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगा कि संकोचित मत होइएगा। आप हृदय में संकोच कर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो आप बहुत भूल कर रहे हैं। महाराज जी बड़े दयालु हैं। आप हृदय खोलकर जैसे अपने माता पिता से आप बात करते हैं, जैसे गुरुजनों से आप बात करते हैं, ऐसे ही आप अपने शब्दों में महाराज जी के समक्ष अपने हृदय की बात खोलकर रख दीजिए और बाकी सब कुछ महाराज जी के ऊपर छोड़ दीजिए। महाराज जी सब कुछ जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, ये भी महाराज जी का वाक्य है, कि चिंता मत कर, हमने कह दी, चिंता मत कर। अपने अनन्य भक्तों से महाराज जी, जो भी महाराज जी के समक्ष चिंतित होकर या किसी भी परेशानी में होकर महाराज जी के समक्ष जब आते थे तो महाराज जी का ये वाक्य उनके लिए होता था कि चिंता मत कर, हमने कह दी, चिंता मत कर। इसका आशय है कि महाराज जी के समक्ष कोई बात आपने कह दी तो आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। ये ऐसा ही है कि आपने अपनी परेशानियों का जितना भी भार है महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। बाकी जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जो भी रास्ता निकालेंगे महाराज जी ही निकालेंगे। फिर आपको चिंता करने का कोई लाभ नहीं। आप चिंता छोड़ दीजिए, अपने हृदय की बात बस आपको कहनी मात्र है और महाराज जी ऐसा मार्ग निकालेंगे जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। देखिए एक कहावत है छोटी सी, कि नर सोचे और नारायण सोचे और, यानी कि हम अपने लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं के विषय में पहले से ही अपनी योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन ईश्वर जो हमारे लिए योजना सुनिश्चित करते हैं वह योजना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें हम सबकी बहुत भलाई होती है। तो ईश्वर ऐसा कार्य करते हैं, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, बस हम एक जिद पकड़ लेते हैं कि हमारी अमुक इच्छा पूरी हो जाए। तो ईश्वर ऐसे नहीं सोचते। ईश्वर ऐसे सोचते हैं कि इस भक्त की कौन सी इच्छा पूरी की जाए कि जिसमें इसको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लाभ हो और इसके जीवन में जो खुशियां हैं वो यूं ही बनी रहें। तो इसलिए जो ईश्वर हमारे लिए सोचते हैं, जो हमारे गुरुजन हमारे लिए सोचते हैं, जो हमारे महाराज जी हमारे लिए सोचते हैं, वही सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए इस परेशानियों की जितनी भी पोटली आपके पास है उसको महाराज जी के चरणों में समर्पित करके भूल जाइए। हृदय को मस्तिष्क को हल्का कर दीजिए, क्योंकि महाराज जी वही करने जा रहे हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। जीवन में सबसे अच्छा फल जो आपके लिए होगा वही महाराज जी आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसी महिमा है हमारे पूजनीय महाराज जी की। तो इसीलिए आज से अभी से इस बात को, इस विशेषांक से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आप महाराज जी को जिस भी स्वरूप में पूजा अपनी समर्पित करते हैं उसी स्वरूप में अपनी बात कह दीजिए, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और महाराज जी उस अर्जी पर जो भी उनको महत्वपूर्ण लगेगा आपके लिए वह फल आपके लिए आपके जीवन में आपको प्रदान करेंगे। तो यह है महाराज जी का अद्भुत चमत्कार। महाराज जी के वह ऐसे जो वाक्य मैंने आपको बताए जो आपके लिए जीवन में बड़े फलदायी हो सकते हैं, उस पर विचार करना आपका कार्य है। और जीवन में सदैव अच्छे कार्य करते रहिए, सबकी भलाई के विषय में सोचिए, सबकी सेवा करते रहिए, महाराज जी वैसे ही आप पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण जीवन में आप जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। लेकिन विदा लेने से पूर्व आप सभी के लिए महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में आशीर्वादपूर्ण स्थिति महाराज जी अपना यूं ही प्रदान करते रहें, अपना आशीष सभी पर बनाए रखें, विश्व का कल्याण हो, सभी में सनातन की जो धारा है वह यूं ही प्रवाहित होती रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।